हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स। आज के हम वीडियो में बात करेंगे एब्सेंटीज़म पे। एब्सेंटीज़म क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और एब्सेंटीज़म की रीजंस क्या होती हैं, रूट काजेस क्या होती हैं एब्सेंटीज़म की। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एब्सेंटीज़म क्या होता है। एब्सेंटीज़म का मतलब ये है, अनऑथोराइज्ड और अनस्केड्यूल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड एब्सेंटीज़म। एब्सेंटीज़म कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल नहीं होता, बिकॉज अगर इम्प्लॉयज अनयूजुअल और अनस्केड्यूल एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से, अपनी जॉब से, तो डेफिनेटली इससे कॉस्ट ओवररन होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, जॉब परफॉर्मेंस कम होती है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक होती है। बिकॉज जब वो अपनी डिलीवरी डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते, अपनी क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी डिलीवरी डेडलाइंस उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसको मीट नहीं कर पाते, तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन एट स्टेक होती है, स्केड्यूल ओवररन होता है, कॉस्ट बढ़ती है, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होती है, एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर डिस्टर्ब होता है, एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट डिस्टर्ब होती है। तो ओवरऑल जो एब्सेंटीज़म के इम्पैक्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो नेगेटिव होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शंस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के ऊपर। तो एब्सेंटीज़म के बिहेवियर को हमेशा डिस्करेज किया जाता है और ये अनडिज़ायरेबल होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरप्राइज़ के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फेवरेबल नहीं होता। उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, किस वजह से एम्प्लॉयज़ के अंदर एब्सेंटीज़म ज़्यादा होता है, उसकी चंद एक रीज़न में पहला ये है कि जो हेल्थ है, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ पुअर है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। अगर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें बहुत टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेडियो एक्टिविटी और सम अदर नॉन सेफ्टी हैज़र्ड्स इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ है वो कंप्रोमाइज होती है। अगर उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती है तो ऐसी सूरत में उनके अंदर एब्सेंटीज़म ज़्यादा होता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि एम्प्लॉयज़ के अंदर एब्सेंटीज़म कम हो, तो उसके लिए चाहिए कि वो ऐसी वर्क बेस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर जो है वो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज ना हो, हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, तो उनके अंदर एब्सेंटीज़म कम आएगा। जो नेक्स्ट एक एस्पेक्ट है एब्सेंटीज़म का, वो वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर काम बहुत ज़्यादा है और जबकि जो सोशल लाइफ के लिए टाइम चाहिए वो कम मिलता है एम्प्लॉयज़ को, तो ऐसी सूरत में भी एम्प्लॉयज़ के अंदर एब्सेंटीज़म ज़्यादा होता है। बिकॉज हर शख्स के साथ उसकी फैमिली एसोसिएटेड होती है, फ्रेंड्स एसोसिएटेड होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स एसोसिएटेड होते हैं, तो कल्चर के अकॉर्डिंग उसके जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। तो अगर उसकी जॉब की वजह से ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो भी एम्प्लॉयज़ के अंदर एब्सेंटीज़म ज़्यादा आता है। तो प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस है तो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो एब्सेंटीज़म कम होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू कर सकती है, अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकती है, कस्टमर्स के अंदर जो अपनी रिकग्निशन है उसको स्टेबल रख सकती है और कस्टमर्स अटेंशन को गेन कर सकती है। थैंक यू।